हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तुम तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। चलो चलो फटाफट से चल के शादी कर लेते हैं। अरे तुम तो आता पाइप उतर आई है। ए तू मेरी बीवी से दूर रह। तो गाइस सर, मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया गर्लफ्रेंड ढूंढने का, पर मुझे तो कोई भी नहीं मिल रहा। तो मैं गया था टोनी स्टार्क यानी हमारे आयरन मैन के पास, और उसने मुझे यार एक इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बन सकता हूँ हल्क। उसने बोला कि लड़कियों को यार स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद है। तो यार अभी मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मुझे थोड़ा गुस्सा लाना पड़ेगा अपने आप को। रुको, किसी से लड़ाई करनी पड़ेगी। आओ मुझे मारो, इनसे थोड़ी सी मार खा लेता ताकि मुझे गुस्सा आ सके। इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी ये दोनों मिलकर क्यों मारने लग गए? अबे हटना साइड में, अबे तेरे को बताता हूँ मैं। आखिरकार मैं बन गया हल्क। तो गाइज़र अभी आप देख सकते हो मैं बन चुका हूँ हल्क। यही इंजेक्शन लगाया था मुझे आयरन मैन ने, और आज मैं हल्क के साथ ढूंढने वाला हूँ एक गर्लफ्रेंड। मैं यार पिद्दी सा फ्रैंकलिन था तो कोई भी लड़की मेरे साथ नहीं चलती थी, पर अब मैं बन चुका हूँ बहुत ही खतरनाक हल्क। और आयरन मैन ने मुझे दे दिया ये गर्लफ्रेंड लकी बॉक्सेस। ये सारे के सारे लकी बॉक्सेस अभी गिर रहे, इन सब में है मेरे लिए गर्लफ्रेंड। ये सारे के सारे लकी बॉक्स खोलूंगा और जो भी लड़की मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, फिर उससे शादी करूंगा, फिर उसके साथ अपनी फैमिली बनाऊंगा। तो गाइज़र फटाफट से अपना पहला गर्लफ्रेंड लकी बॉक्स खोलते हैं। ये है वुमेन हल्क लकी बॉक्स। चलो इसको फटाफट से पहले खोलते हैं। तो अभी ये लड़की इसमें से आ चुकी है। हेलो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर तुम हो कौन? पहले मुझे तुम्हें जानने का मौका दे दो। अरे जानना क्या है, मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक हूँ। मेरा नाम है हल्क, मैं सबसे लड़ सकता हूँ, तुम जिससे बोलोगे उससे लड़ूंगा। ग्रीन बैंगन मेरे पीछे पड़ गया, मेरे को शादी करा दे। पुलिस पुलिस मुझे बचाओ, ये ग्रीन बैंगन मेरे पीछे पड़ गया। अरे ए दीदी रुको ना दीदी। अरे वो दीदी तो चली गई, पर कोई बात नहीं, हमारे पास और भी लकी बॉक्सेस है, हम उनको खोलेंगे और आज अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ के जाएंगे। तो आप अगर चाहते हो कि मुझे जल्दी से जल्दी गर्लफ्रेंड मिल जाए तो फटाफट से लिख दो गर्लफ्रेंड ओपी कमेंट्स में, फिर मुझे जल्दी से गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। फटाफट से ये वाला लकी बॉक्स खोलते हैं। अरे मुझे तुम अच्छे तो लग रहे हो, पर तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, बहुत ही भारी आवाज है। क्या भारी आवाज? रुको रुको। अरे मेरी आवाज तो ऐसी है। अरे वो तो मैं जानबूझ के निकालता हूँ, मुझे लगा लड़कियों को भारी आवाज पसंद होती है, पर कोई बात नहीं, आपके लिए मैं अपनी आवाज भी चेंज कर लूंगा। रुको रुको, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। हेलो जल्दी से आ जाओ। हाँ लोकेशन भेज रहा हूँ यार। तो गाइस सर, हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड अभी यहाँ पे आ चुकी है और हम जाने वाले डेट पे, वो भी इधर ही। हमने यहाँ पे सारा का सारा इंतजाम करा है, देख सकते हो भाई क्या ही इंतजाम करा है। बीच में इतने सारे फूल और टेबल लगा दिए और यहाँ पे हम यार डिनर करने वाले, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो तुम मेरा साथ दोगी ना? जी जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। ओए ये नहीं हो सकता, रुक जाओ। अरे कौन है भाई, ये कौन चिल्ला रहा है? ओए तू मेरी बीवी से शादी करेगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हैं तेरी बीवी? मैं को नहीं पता था, इसने तो बोला ही मेरे से शादी करेगी। ओए झूठ मत बोल, मेरी बीवी इतनी सीधी है, वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ही शादी करती है बस। अरे नहीं नहीं उससे पूछ ले। अरे बेबी अच्छा तुम आ गए, ये साला बैंगन सा लड़का मेरे को यहाँ पकड़ के लेके आ गया था। अरे बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं इसको तोप छुड़ा दूंगा। मेरी और मेरी फैमिली से दूर रहना वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चलो हम चलते हैं। ठीक है चलो चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे इसने मुझे पकड़ लिया था। चलो चलो बैठते गाड़ी में। ओए अगली बार से इधर देखना भी मत, जा रहा हूँ मैं। उसने बोला था वो मेरे साथ रहेगी हमेशा, ये क्या हो गया, वो तो और किसी की पत्नी निकली। पर कोई बात नहीं, हमारे पास तो और भी लकी बॉक्सेस है। फटाफट से और भी गर्लफ्रेंड लकी बॉक्सेस खोलते और दूसरी लड़की मंगाते हैं। वो लड़की तो शादीशुदा निकली भाई, लकी बॉक्स कोई अच्छी सी लड़की देते हैं। हल्क तुमने मुझे बुलाया, मैं चली आई तुम्हारे सपनों की रानी। अरे वाह ये तो वांडा है। अरे तुम्हारी आवाज इतनी पतली क्यों है? नहीं 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 वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? अरे तभी तो मैं आई हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? क्या डेट पे? मुझे डेट पे जाना तो बहुत पसंद है, चलो चलते हैं। क्या सही में तुम मेरे साथ चलोगी? फिर तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना, और तुम शादीशुदा तो नहीं हो ना? मैं शादीशुदा थोड़ी ना हूँ और मैं धोखा भी नहीं दूंगी। चलो चलो फटाफट से हेलीकॉप्टर में चलो, मैंने बहुत ही अच्छी डेट रखी है। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ हमारी वांडा के साथ एक डेट पे, बहुत ही अच्छी डेट रखी है। पहले हम हेलीकॉप्टर में हमारे यार सनसेट का व्यू लेंगे, कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक फील हो रहा है। अरे थैंक यू। अभी मैं तुम्हें बोट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम खाना खाएंगे और मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, और मैं तुम्हारे लिए रिंग भी लेके आया हूँ। अरे क्या सही में? जल्दी से दिखा दो कौन सी रिंग है। अच्छा अच्छा ठीक है रिंग दिखाता हूँ, एक डायमंड की रिंग लाया तुम्हें। तो वांडा आई लव।
हाय हाल के बच्चे रुक जा, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उलू उलू करेगा तो धोप दूंगा ना मैं तेरे को, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कैसे कर रहे हैं? अरे क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इससे तो मना किया था। अरे तुमने तो पूछा तुम शादीशुदा हो कि नहीं, मैं तो गर्लफ्रेंड तो हूं ना इसकी। अरे क्या, अरे अरे तुम इसको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। हाय मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। काय की गर्लफ्रेंड, काय का हल्क, अभी बताता हूँ मैं मेरी शक्तियाँ। अरे नहीं वन पंच मैन, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। निकलो यहाँ से, तुम दोनों ही मुझे नहीं चाहिए, साले दोनों को दोनों चीटर। ये दुनिया चीटरों से भरी हुई है, मैं जा रहा हूँ। आया ना मजा, इनकी बोट अभी तबाह कर दूंगा। ये ले ये ले ये ले, बोट पे जाओगे, ये निकल यहाँ से। हल्के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे वन पंच मैन, मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया, छोड़ दे वरना मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या, मैं डरता हूँ तेरे से, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे इसका बहुत हो गया भाई, कब से परेशान कर रहे हैं, इसको बताता हूँ मैं। साले वन पंच मैन तेरी, एक तो यार वो वोंडा मेरे पास आई खुद ही, मैंने बुलाया नहीं था, मैंने उसे पूछा भी था, मुझे क्या पता था वो तेरी गर्लफ्रेंड है। अभी देखो बता दो, साले निकल यहाँ से, मुझे परेशान कर रहे हैं। बोला ना मैं, ले जाओ उसको यहाँ से। ओए हल्क सॉरी, ओए ओए जा रहा हूँ। नहीं अब तो मेरा ईगो हट हो गया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, निकल यहाँ से साला, परेशान करने आ गया तो भाई। सर ये लोग यार पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, अपन अपने नया गर्लफ्रेंड का लकी बॉक्स खोलते, वो भी इतना ज्यादा बड़ा। अरे फटाफट से खुल जाए कोई तो, अच्छा दे दो। अरे वाह, आखिरकार मेरे जितनी खतरनाक, मेरे जितनी स्ट्रांग और मेरे जितनी पावरफुल लड़की मुझे मिल गई। तुमको क्या लगा मैं तुम्हारे लिए आई हूँ? अरे तो किसके लिए आई हो दीदी? मुझे तो भूख लग रही है, आओ मैं तुम्हें खा लेती हूँ। अरे ये तो मेरे को खा गई, ए मेरे को पेट में से निकाल अपने। अरे ये कौन है, अबे ये लड़की कहाँ से आ गई, अबे क्या क्या खा जा रही है, अबे मुझे अपने पेट से बाहर निकाले पागल। ए तू पागल वागल है क्या गाइज़र, अभी मैं इसके पेट में से बाहर आ गया, अबे तेरे में दिमाग विमाग नहीं है, मेरे को पेट में डाल लिया इसने। भाई ये कौन सी हेल है भाई, मैं सोच रहा था गर्लफ्रेंड बनेगी, ये तो पागल निकली है, तो मुझे ही खा रही है। नहीं नहीं मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, क्या पता सुबह उठ के मेरे को खा जाए। भाई 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 मैं सोच रहा होता कि मेरे लिए कोई ब्रेकफास्ट बनाएगा और ये तो मेरे को ही खाने का प्लान कर रही है। अंकल आप लड़कियों से दूर रहा करो, पर मुझे एक और लड़की चाहिए, तो फटाफट चलते अपने अगले गर्लफ्रेंड लकी बॉक्स की तरफ और इसको फटाफट से खोलते हैं। अरे शी हल्क, अबे 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 हेलो, आप कैसे हो? अरे कैसे हो तुम? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो मेरे से बात करने में, मैं तो शी हल्क हूँ ना। हाँ मैं शर्मा नहीं रहा, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अरे मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज कैसे हो रही है? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, ये शी हल्क को देखते तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। मुझे लगता है यही मुझे आखिरकार मिल गई, मेरी गर्लफ्रेंड जो कि मेरे साथ हमेशा रहने वाली है। क्या तुम मेरा हमेशा साथ दोगी? अरे मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ हल्क, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे अरे मैं भी बहुत से तुमसे प्यार करता हूँ। अरे तो चलो फिर हम अपनी फैमिली बनाते हैं, हम लॉस सैंटोस में रहेंगे और सबसे खतरनाक कपल बन के दिखाएंगे। अरे हाँ सबसे खतरनाक कपल बनेंगे। तो गाइस आखिरकार मेरी गर्लफ्रेंड की खोज खत्म हुई, मैंने लकी बॉक्स खोला और मुझे शी हल्क मिल चुकी है, जिसके साथ मैं अपनी बाकी की लाइफ गुजारने वाला हूँ। तो यार मैं तो सेट हो चुका हूँ, आप फिर अपना देखो। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।